एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में मटिल्डा नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वह पूरे राज्य में अपनी दयालुता और प्रकृति के प्रति प्रेम के लिए जानी जाती थी। वसंत का आगमन हमेशा उसके दिल को खुशी और आशा से भर देता था। हालांकि यह वसंत अलग होने वाला था, क्योंकि यह वह वसंत था जब उसे अपना सच्चा प्यार मिलेगा। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार राजकुमारी के पिता के दरबार में आया। उसका नाम विलियम था। वह सुंदर, बहादुर और दयालु था। राजकुमार और राजकुमारी को पहली नजर में प्यार हो गया और उनके दिल वसंत के जादू से भर गए। परंतु एक दुष्ट जादूगर था जो उनके प्रेम से ईर्ष्या करता था और उसे नष्ट करना चाहता था। दुष्ट जादूगर ने राजकुमार विलियम पर जादू कर दिया, उसे मंत्रमुग्ध कर दिया और मटिल्डा के प्रति उसके प्यार को भुला दिया। जब राजकुमारी ने अपने प्रति राजकुमार के प्यार को दूर होता देखा तो उसका दिल टूट गया। जादू को तोड़ने के लिए राजकुमारी मटिल्डा जादूगर को खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। उसे घने अंधेरे जंगल में जाना था जहां जादूगर रहता था। वह डरी हुई थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपना सच्चा प्यार बचाना होगा। आखिरकार कई दिनों तक चलने के बाद वह जादूगर की गुफा तक पहुंची। जादूगर राजकुमारी पर हंसा और उससे कहा कि वह जादू कभी नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन मटिल्डा दृढ़ निश्चय थी। उसने जादूगर की आंखों में देखा और उससे कहा कि सच्चा प्यार किसी भी जादू से अधिक मजबूत होता है। लेकिन मटिल्डा ने अपनी बात रखी और जवाब दिया, वसंत ऋतु में कुछ भी संभव है। उन शब्दों के साथ उसने अपना एक जादू कर दिया, प्यार और आशा का जादू। यह इतना शक्तिशाली था कि इसने राजकुमार पर जादूगर का जादू तोड़ दिया। विलियम को मटिल्डा के प्रति अपने प्यार की याद आ गई। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वसंत के प्रेम ने जादूगर की दुष्टता पर विजय पाली थी। जैसे ही वे राज्य में वापस आए, राजा ने जश्न मनाया और राजा जानते थे कि सच्चा प्यार बच गया था और वसंत का जादू उनके जीवन में दोबारा आ गया था। और इस तरह राजकुमार विलियम और राजकुमारी मटिल्डा हमेशा खुश रहे। उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। वे हमेशा वसंत के जादू को याद रखेंगे और यह कैसे उन्हें एक साथ लाया था।